हाय दोस्तों, पिछली वीडियो जिसमें मैंने बताया कि इनवैलिड सुपरवाइज़र यानी कि UCL जो चला रहे थे उनको जो सस्पेंड किया गया है करीब एक साल के लिए, उसका क्या रीज़न था और जो आधार की तरफ से करेक्शन करने के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया गया है जिसके थ्रू आप नाम करेक्शन कर सकते हैं, एड्रेस करेक्शन कर सकते हैं, हस्बैंड नेम, फादर नेम, ये सब जो है इस अकेले फॉर्म से आप कर सकते थे, तो इसको कैसे भरना है और इसमें क्या क्या मिस्टेक्स की गई जिसकी वजह से UCL बंद किए गए हैं, वो सब मैंने पिछली वीडियो में कवर कर दिया है। आप आई बटन पर क्लिक करके भी ऊपर देख सकते हैं उसको, उससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा कि आपको किस किस चीज़ से बचना है और फॉर्म को कैसे भरना है। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आपने वो देख ली है तो ये वीडियो जो है उसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट टू, जिसमें मैं आज बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट, वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट, TC, इन सबको कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी होगी तो इसको शॉर्ट कर देंगे, एक थर्ड पार्ट और बनाएंगे जिसमें बाकी बचे हुए डॉक्यूमेंट को कवर करेंगे, और अगर जल्दी जल्दी से कवर करने में अगर सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी आपके लिए। तो जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो आई बटन पर क्लिक करके पिछली वीडियो देख लें ताकि उसको अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट को कैसे यूज़ करना है। उसके बाद जो है ये भी बहुत ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो है आपके लिए अगर आप UCL चला रहे हैं तो आप बने रहिए हमारे साथ पूरा एंड तक इस वीडियो में, और अभी मैं आपको लेकर चलूँगा कंप्यूटर स्क्रीन पर, वहाँ पे आपको डिटेल में समझाऊंगा बाकी सारी चीज़ें। तो अभी हम हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके लिए स्कैन करके रखे हैं ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ कि आपको कैसे क्रॉस चेक करना है कि डॉक्यूमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। तो मैं यहाँ पे शुरुआत करूँगा 10th की मार्कशीट से। इसमें आपको बताता हुआ चलूँ कि यहाँ पे जब 2005 या 2006 वाले जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनकी मार्कशीट अलग होती है और सनद अलग होती है, लेकिन 2007 में जो है ये कंबाइन कर दी गई थी जिसमें मार्कशीट और सनद एक ही साथ गवर्नमेंट ने अटैच कर दी है, उसमें एक ही डॉक्यूमेंट इनके पास रहता है। लेकिन जो कैंडिडेट 2005 के या 2006 वाले हैं तो उनके पास मार्कशीट अलग रहेगी और उसकी सनद यानी कि उसका सर्टिफिकेट अलग रहेगा और मार्कशीट उसकी अलग रहेगी। तो ऐसे केस में अगर मैं इसको बात करूं कि हमें इसको यूज़ कहाँ करना है, इसका यूज़ हम नाम करेक्शन में कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को अपना नाम सही करना है तो इसके लिए भी हम इसको नाम करेक्शन में यूज़ करेंगे, और जब हम UCL चला रहे होंगे तो उसमें इसको कौन से वाले पार्ट में सेलेक्ट करना है, उसको सेलेक्ट करना है SSLC विद फोटोग्राफ, जो ऑप्शन आता है उसमें आपको इसको सेलेक्ट करना है। अगर ये मार्कशीट यूज़ कर रहे हैं हम डेट ऑफ बर्थ सही करने के लिए तो वहाँ पे भी जब चूज़ करेंगे बर्थ प्रूफ में तो वहाँ पे भी SSLC वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और इसको स्कैन करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, वैलिडेशन कि ये मार्कशीट सही है या गलत है। सबसे पहले तो ये किस बोर्ड से बनाई गई है वो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था और वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी मार्कशीट आजकल बहुत सारे बच्चों पे, जो काफ़ी पुराने बच्चे हैं 90s वाले या उससे पहले वाले, तो वो लोगों के पास वो वाली मार्कशीटें होती हैं जिसकी वजह से हम लोग बिना सोचे समझे इसको स्कैन करके अपलोड कर देते हैं और वो जो है एरर डॉक्यूमेंट वाली यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। तो ये आपको ख्याल रखना है, साथ में आपको ख्याल रखना है कि कहीं पे कटिंग ना हो, कहीं पे ओवरराइटिंग पेन के द्वारा ना करी गई हो, और यहाँ पे जो नाम और पापा का नाम और बाकी जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी की सारी अच्छे से प्रिंट है या नहीं है, या किसी ने कटिंग तो नहीं कर रखी है, मिस प्रिंट अगर होगा तो भी आपको उस पर पेनल्टी पड़ सकती है। ये जो आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ये वाइटनर यूज़ कर रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी पर्पज़ से यूज़ कर रखा है, आप समझदार हैं कि किसी की इन्फॉर्मेशन हम ऐसे शो नहीं कर सकते हैं। बहरहाल मैंने आपको समझाने के लिए ये डेमो रखा है, तो समझ रहे होंगे कि इसमें आपको एक तो ओवरराइटिंग कहीं ना हो, पेन का लिखा हुआ कहीं ना हो, और यहाँ पे प्रधानाचार्य की मोहर का होना ज़रूरी है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ फर्जी लोग ऐसे होते हैं कि वो मार्कशीट ऑनलाइन भी बनवा लेते हैं और उस पर मोहर वगैरह नहीं होती है, तो उसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा हाई स्कूल का। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर जो कि है पैन कार्ड। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम नाटक चल रहा है या कह सकते हैं कि रिजेक्शन हो रहा है वो पैन कार्ड्स की वजह से हो रहा है, क्योंकि पैन कार्ड जो मार्केट में कुछ लोग बैठे हैं ना उनको चीटर बोलते हैं, वो क्या करते हैं कि फोटोग्राफ फोटोशॉप का यूज़ करके PVC प्रिंटर लोगों के पास रहते हैं, वो लोग
किसी के पैन कार्ड में किसी का नाम और किसी के नाम में किसी का पैन कार्ड की डिटेल एंटर करके उसकी डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए इसका यूज़ कर लेते हैं। आप समझ रहे होंगे कि पैन कार्ड का यूज़ आप नेम करेक्शन के लिए, डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए बड़े आसानी से कर सकते हैं। और सबसे अच्छा प्रूफ ये जो है हम लोगों की नज़र में रहता है, क्योंकि बड़ा इजीली स्कैन भी हो जाता है और इससे रिजेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं, बशर्ते ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कहीं से प्रिंट करके लेकर के आया है, तो वो आपको इसको चेक करना है, इसको वेरिफिकेशन करना है कि आप जब ओवरव्यू आपके हाथ में रहेगा पैन कार्ड, तो आपको जो ओरिजिनल पैन कार्ड होता है उससे क्रॉस चेक कर लेना है कि ये पैन कार्ड सही है या गलत है। तो इस तरह से आपको इस पैन कार्ड को भी समझना है अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं बर्थ सर्टिफिकेट की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसका यूज़ हम करते हैं जन्म तिथि को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे दो कंडीशन फिर से लागू होती हैं बर्थ सर्टिफिकेट में। जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं उनके बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो ऑफलाइन वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑन स्क्रीन कि ये जो है हाथ से लिखा हुआ पैन बर्थ सर्टिफिकेट है जिसको संबंधित अधिकारी ने रजिस्टर्ड किया है अपनी मोहर के साथ। तो इन वाले बर्थ सर्टिफिकेट में या कंप्यूटर वाले बर्थ सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखने योग्य बातें जो है वो आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कटिंग नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो मामला बैठ रहा है वो ओवरराइटिंग का है। जैसे मान लीजिए कि इस कैंडिडेट का नाम जो भी था शेर मोहम्मद मुझे दिखाई दे रहा है, ये मेरा अपना ही है सही बताऊँ तो, जैसे इन कैंडिडेट का नाम शेर मोहम्मद है, तो यहाँ पे शेर को काट करके मोहम्मद को ना लिखा गया हो और मोहम्मद को काट के शेर को सही ना किया गया हो, या डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1990 को काट करके, मान लीजिए यहाँ पे अगर मुझे 96 करनी है तो मैं इसको 6 कर सकता हूँ ऐसे घुमा करके ना। तो इन चीज़ों का ही आपको बारीकी से स्कैन करना है जब किसी कस्टमर से आप लेंगे, कि उसमें कोई कटिंग तो नहीं कर रखी है, कोई ओवरराइटिंग तो नहीं कर रखी है ना। तो इस चीज़ का यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, और स्कैन करते टाइम उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में ही स्कैन करना है। याद रखें कि जो नाम इसमें होगा वही नाम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, तभी ये डॉक्यूमेंट वैलिड रहेगा। ऐसा ना हो कि इसमें खाली शेर है और डॉक्यूमेंट में शेर मोहम्मद है, तो आप इसको अगर स्कैन कर देंगे तो ये इनवैलिड डॉक्यूमेंट जाहिर सी बात है हो जाएगा, क्योंकि ये शेर का बर्थ सर्टिफिकेट है और आप शेर मोहम्मद का जो है आधार कार्ड सही कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में भी ये इनवैलिड हो जाएगा और प्रूफ ऑफ बर्थ वाले एरर आपको देखने को मिल सकती है। अगली हम बात करें तो यहाँ पर आ जाती है ये वोटर आईडी, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है नाम करेक्शन के लिए और एड्रेस करेक्शन के लिए। तो ऐसी ये जो है आपको पता है कि NVSP एक वेबसाइट है, ठीक है, उस पर आप जा कर के इसको वेरीफाई कर सकते हैं। किसी भी कैंडिडेट अगर कोई आपके पास लेकर के आता है, सबसे पहले आपको NVSP, मैं आपको यहाँ पर डेमो भी दिखा देता हूँ, NVSP आप यहाँ लिखेंगे NVSP.in, यहाँ पे जाकर के आपको सर्च इन इलेक्ट्रोल रोल पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे दो तीन तरह से ये आपको बताएगा कि आप कैसे चूज कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है। तो पहचान पत्र के द्वारा खोज, यानी कि इसके द्वारा आपको उसको वैलिडेट करना है कि वो जो पहचान पत्र है या वोटर आईडी है वो वैलिड है या नहीं है। उसके लिए आपको इपिक नंबर, मैं आपको दिखा दूँ कि इपिक नंबर क्या होता है, ये जो DMJ वाला आप देख रहे हैं ये इपिक नंबर होता है, आपके यहाँ पे जो भी नंबर रहेगा वो फोटो के ऊपर ही होता है मैक्सिमम, उसको आपको यहाँ पे डालना है। किस स्टेट से ये बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है और कोड एंटर करते हैं। जैसे आप खोजों पे क्लिक करेंगे तुरंत यहाँ पे जो है सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस कैंडिडेट की आ जाएगी, अगर वो वैलिड डॉक्यूमेंट होगा तो, अगर नहीं होगा तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य बातें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि इसमें एक मिस्टेक है, इसमें हिंदी में तो नाम लिखा है शेर मोहम्मद लेकिन इंग्लिश में लिखा है आर मोहम्मद, और मोहम्मद की स्पेलिंग भी इसमें गलत है। तो ये जो डॉक्यूमेंट है अगर इससे मैं किसी का नाम सही करूँगा तो वो जो है 101% एरर में जाएगा ही जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में ही एक सही डॉक्यूमेंट आपके लिए नहीं है। अगर ये हिंदी में भी शेर मोहम्मद लिखा है और इंग्लिश में भी शेर मोहम्मद होता तब ये अपना नाम करेक्शन इसके थ्रू करा सकते थे। याद रखिए कि वोटर आईडी से आप किसी की डेट ऑफ बर्थ सही नहीं कर सकते हैं। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि कस्टमर सोचते हैं कि यार मेरी उम्र तो पहचान पत्र में 60 साल हो रही है और आधार कार्ड में 55 साल हो रही है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है आप पहचान पत्र से कर दीजिए। और कहीं ना कहीं जो ना समझ है हमारे UCL के ऑपरेटर जो नए नए अभी स्टार्ट करे हैं, तो वो पैन कार्ड की जगह वोटर आईडी को स्कैन कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अगला आता है ड्राइविंग लाइसेंस।
ड्राइविंग लाइसेंस का यूज जो है हम नाम करेक्शन के लिए, एड्रेस करेक्शन के लिए कर सकते हैं। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, DL का नंबर आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका आपको वेरिफिकेशन करना है। उसके लिए आपको एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, parivahan.gov.in, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे पहुँच जाना है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तब जो है आप यहाँ पे क्लिक करके अब जो DL नंबर है, DL नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है, जैसा DL नंबर यहाँ पे लिखा गया है आपको डिप्टो वैसे लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर DL नंबर की बात करूँ तो UK/0620 करके है, तो यहाँ पे भी आपको ऐसे ही लिखना है, UK/0206 करके आपको यहाँ पे 0602 जो भी था वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ जो उस पर मेंशन कर रखी होगी, और उसके बाद कैप्चा कोड डालकर जैसे ही आप चेक स्टेटस करेंगे तो यहाँ पे अगर वो जेन्युइन ड्राइविंग लाइसेंस होगा तो उसकी डिटेल खुल जाएगी, अगर नहीं होगा तो उसकी डिटेल यहाँ पे नहीं खुलेगी। यहाँ पे भी आपको जो क्रॉस चेक करने वाली बात है वो है इसका होलोग्राम। आप ध्यान रखेंगे कि होलोग्राम का लगा होना ज़रूरी है, और जो संबंधित अधिकारी हैं, जो भी लाइसेंस RTO का अथॉरिटी है, उनके सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं, और कैंडिडेट के सिग्नेचर भी होने इस पर ज़रूरी है। और इसकी जो अगली पार्ट है वो है इसकी वैलिडिटी का ध्यान रखना है। एक्सपायर्ड अगर आप लाइसेंस से किसी का नाम या एड्रेस सही करते हैं तो वहाँ पे भी इसमें 100% रिजेक्शन आना है, जिसकी वजह से आपको प्रूफ POI वाली एरर है वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, जो कि एक डॉक्यूमेंट एरर रहेगी और उसकी वजह से भी आपका UCL बंद हो सकता है। अब चलते हैं हम अगले डॉक्यूमेंट की तरफ, जो कि है बैंक की पासबुक। इसके थ्रू भी आप अपना नाम और एड्रेस सही कर सकते हैं। इसकी कंडीशंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका यूज़ काफ़ी जगह किया जा रहा है। सबसे पहले तो आपको संबंधित बैंक के द्वारा लगाई गई एक स्टाम्प का चेक करना ज़रूरी है, और उससे भी पहले आपको चेक करना है कि कैंडिडेट की यहाँ पे फ़ोटो लगी है या नहीं है, लगी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटो के लिए इन्होंने 3 कॉलम बना रखे हैं, लेकिन कैंडिडेट ने यहाँ पे एक भी फ़ोटो नहीं लगाई है, और बैंक के अधिकारी ने भी उस पर कोई भी सर्टिफाइड मोहर अपनी नहीं लगाई है, जिसकी वजह से अगर इस डॉक्यूमेंट से मैं नाम सही करता हूँ या एड्रेस सही करता हूँ तो इसमें भी हमारा एरर आएगी डॉक्यूमेंट वाली। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जो बातें हैं वो ये है कि यहाँ पे पहले तो कैंडिडेट का फ़ोटो लगा हुआ होना चाहिए, और ऊपर से वेरीफायर जो होते हैं बैंक के अधिकारी, उनकी यहाँ पे स्टैम्प मोहर लगी होनी चाहिए फ़ोटो को क्रॉस करती हुई, ताकि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ ये जो बैंक की पासबुक है वो ओरिजिनल है और जेन्युइन है। ठीक है, उसके बाद मिस्टेक्स को क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको बता चुका हूँ। हर एक चीज़ में आपको जो है चेक करना है कि कहीं पे मिसप्रिंट तो नहीं है। मिसप्रिंट होने की वजह से सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट रिजेक्शन हो रहा है। तो बस आज की इस वीडियो में था इतना ही। उम्मीद करूँगा आपको इससे बहुत सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सबको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी CSE और टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वीडियो के लिए। मिलेंगे नए अपडेट्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। We'll be right back.